जी, आपका कहने के मतलब है कि संजू देवर्मा जी ने आपके साथ शादी किया। आपको कौन से साल में शादी किया? इस साल में ही शादी किया, अगस्त में शादी किया, अगस्त लास्ट को। कहाँ शादी किया आप लोग ने? हम लोग ने मंदिर में शादी की, मेरा दोस्त लोग आए थे। और आप लोग के साथ में और कौन कौन है? आप लोग के साथ तब और कौन कौन है? मेरा दोस्त लोग ही थे, दोस्त लोग नहीं थे, मेरा दीदी लोग और मेरा दोस्त लोग सबसे बड़े इतना ही थे। मैंने शादी किया, बोला फिर से शादी करके मेरे गांव में लेके जाऊंगी, ये सब बहुत कुछ बोले सर ये सब। उसके बाद ना अभी मेरे को छोड़ के चला गया वो, और मेरा ना नंबर भी ब्लॉक किया है। फोन कर रहा हूँ, फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है, इतने नंबर से फोन कर रहा हूँ रिसीव नहीं कर रहा है। कुछ बोल के गया है घर से निकलते वक्त? कुछ भी नहीं बोला वो, क्योंकि उसका दोस्त लोग के साथ रहता था, मेरे को अलग रूम लेके रखा है। और गांव से जिधर वो जॉब करता है उधर से मेरे को 30 किलोमीटर दूर रखा है वो मेरे को लाके। और आते थे सैलरी मिलने के बाद आते थे मेरे से महीने में एक बार आके, उसके बाद चले जाते थे। फोन पे सब बात होता था, ये सब होता था। अब लोग मुलाकात कहाँ हुआ है? हम लोग एक जगह में जॉब करते थे, वहाँ पर मुलाकात होता है। अभी क्या आपको पता नहीं है कि वो कहाँ है? मेरे को कुछ भी पता नहीं है वो अभी कहाँ पर है। तो इसी एक साल के बीच आप लोग की घर में बच्चे बच्चे हुआ या नहीं? हाँ हुआ, मेरा 3 महीने का प्रेग्नेंट था। मेरे को ये करने के लिए बोला, दवाई खा लो, अभी हमारा टाइम है, हम दोनों अभी साथ मिलकर थोड़ा ये करेंगे ऐसा करेंगे बोल के। मेरे को 3 महीने का था प्रेग्नेंट, मेरे को दवाई की खिलाए। उसके बाद मेरे साथ अभी उसके बाद बोला मैं शादी करेंगे बोला वो मेरे को। मैं बोला उसको तुम मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे को पूरा कंपनी में सब जान गए ऐसा ऐसा किया है बोल के। मैं एक लड़की हूँ सर, मेरा लाइफ बर्बाद हो गया ना, इसलिए उसको बोला। मेरे साथ शादी किया, शादी करने के बाद अभी मेरे को नहीं पता अभी तो कहाँ गया है क्या कर रहा है बोलता, अभी कुछ भी नहीं मालूम। फोन इसको इतना फोन कर रही हूँ सर, फोन पे रिसीव नहीं कर रहा है वो। अच्छा, आपका गांव और जिला कौन सा पड़ता है और राज्य कौन सा पड़ता है? मैं हूँ ओडिशा से हूँ, इधर मैं जॉब के लिए आया था काम करने के लिए, और मेरे साथ मिला, मेरा फैमिली मेंबर पे कोई नहीं है, सिर्फ मेरा एक दादी था। और डेथ होने के बाद मैं इधर आया, आने के बाद तो मेरे को ऐसा ऐसा किया क्योंकि मेरा मजबूरी का फायदा उठाया हो। आपके साथ क्या आपका माता पिता रहता है या नहीं? मेरा मम्मी, मेरा मम्मी सर, मेरा मम्मी छोटी थी ना, मेरा मम्मी डेथ हो गए। मेरा पापा हम मेरे को नहीं पूछता था, मेरा दादी के साथ में रह रही थी। मेरा मम्मी गुजर जाने के बाद मेरा पापा टोटल मेरा दादी के साथ रहता था मैं। तो फिर अभी आप हमसे क्या चाहता है? मैं चाहती हूँ आपसे क्योंकि उसको थोड़ा मेरे को हेल्प करो बोल के। आज मेरे साथ हुआ है सर, और किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी लड़की के साथ ऐसा गलत नहीं करना चाहिए। वो अभी मैं सुना वो शादी करने जा रहा है बोल के, उसका दोस्त लोग ऐसा बोल रहे है, पहले से भी कोई बोल रहा है पहले से शादी शुदा था ऐसा बोल रहे है अभी उसका दोस्त लोग। बहुत लोग को फोन किया सर, कोई की उसका एड्रेस देने के लिए नहीं मान रहे है, क्योंकि मेरे अंदर जो बिखरा सर किसी को भी बता नहीं पा रही हूँ। मेरा कोई नहीं है बोल के मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी लड़की के साथ भी। मेरे को बहुत तकलीफ होता है सर, मेरे को ना मेरे रूम पे आया ना पैसा मिला चला गया, सैलरी भी नहीं दिया, 1 रुपया भी मेरे को नहीं दिया सर, मेरे रूम में खाने के लिए भी नहीं है। मैं जब रह रहा हूँ अगल पास में कोई रहता है वो लोग थोड़ा मेरे को हेल्प किए बोल के थोड़ा मेरे को खाने के लिए भी मिलता है, नहीं तो भी नहीं मिलता था सर। उनका फ्रेंड लोग को बोल रही हूँ थोड़ा हेल्प करो बोलने से, बोल रहे हैं हमको नहीं मालूम वो कौन सा गाँव से है बोल रहे हैं। जैसे आपने क्या बताया कि आपकी मम्मी दीदी भी आपके साथ नहीं है, आप अकेला गुजरा कर रहे हैं, तो फिर अभी आप जीने के लिए क्या कर रहा है? मैं फिलहाल अभी कि मेरे को नहीं मिल रहा है क्योंकि सब जान गए ना ऐसा ऐसा हुआ है बोलकर, इसलिए मेरे को जॉब फॉर उधर नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी मैं ऐसे ही रह रहा हूँ मेरे रूम से। अभी सर बोलने से ना कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए क्योंकि मैं ऐसे गुजारती हूँ, मेरे को ऐसे टेट में और छोड़ के गया है, मेरे साथ पूरा इतने दिन रुका, मेरा पैसा लिया सब लिया, मेरे को छोड़ के चला गया। आपकी कोई भी मदद हो सकती है प्लीज कीजिए मेरे को, मैं आज से पूरा 1 हफ्ता हो गया सर, मेरा खाना पीना बंद हो गया पूरा, ऐसा मेरे को हुआ है। जो साइड में ना उन लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, इसलिए मैं थोड़ा खाना बना भी खा नहीं पा रही हूँ।
मेरे को खाना खाने के लिए भी मन नहीं हो रहा है, मेरे को ऐसा लगा है। हर बात सर मेरे को शेयर करता था, ऐसा है वैसा है, हर बात मेरे को बोलता था। ये बात नहीं बोला मैं गाँव के जाके आऊंगी, ऐसा भी कुछ भी नहीं बोला मेरे को। बहुत कोशिश कर रही हूँ सर, इधर भी कोशिश कर रही हूँ, ऑफिस में जा रही हूँ, उसका एड्रेस कुछ भी नहीं दे रहे।